नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DK नॉलेज शो पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, चीन दुनिया का सबसे खतरनाक और धूर्त देश है। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक मंशा है और वह है विस्तारवाद। वह अपनी वामपंथी विचारधारा को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। और इसमें सबसे ताजा मामला जुड़ा है ऑस्ट्रेलिया का। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में इसी साल मई के महीने में आम चुनाव होने हैं और वहाँ की मौजूदा सरकार एंटी चाइना है। ऐसे में चीन की चाल चुनाव के दौरान अपने चहेते को जिताने की थी। दोस्तों, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नेशनल फेडरल एजेंसी ने चीन की साजिश का पर्दाफाश किया है और इसके खुलासे से पूरी ऑस्ट्रेलिया में हड़कंप मच गया। दरअसल चीन अपने जासूसों के जरिए ऑस्ट्रेलिया के विपक्षी पंथी विचारधारा के उम्मीदवारों को फंडिंग करने का प्लान बनाया हुआ था, लेकिन समय रहते इसके खुलासे ने चीन की मंशा पर पानी फेर दिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया क्वाड देशों का सदस्य है और स्कॉट मॉरिसन चाइना के खिलाफ बेहद आक्रामक हैं और क्वाड के मंच से भी चीन को भारत, अमेरिका, जापान के साथ खरी खोटी सुनाते हैं। और इसी बात से चिढ़कर चाइना का भोपू अखबार ग्लोबल टाइम ने ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका का कुत्ता तक कह दिया था। दोस्तों, चाइना सभी लोकतांत्रिक देशों में अपनी घुसपैठ बढ़ाते जा रहा है। हमारे पड़ोसी श्रीलंका को तो चाइना ने पैसे का कर्ज देकर कंगाल बना दिया और अब स्थिति ये है कि श्रीलंका अपने जमीन तक को चाइना को देने पर मजबूर है और दिवालिया होने के कगार पर आ गया है। वहाँ पर भी चाइना ने पैसे के दम पर अपनी पसंद की सरकार बनवा ली थी। तो वहीं हमारे दूसरी तरफ नेपाल को भी चीन पूरी तरह कर्ज के जाल में फंसाता जा रहा है और वहाँ भी पैसे के दम पर अपनी नीतियों को लागू कराना चाहता है। दोस्तों, नेपाल की पिछली KP शर्मा ओली की सरकार को तो चीन रिमोट से चला रहा था और भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन भारत के हस्तक्षेप से ओली सरकार चली गई और शेख बहादुर देउबा प्रधानमंत्री बन गए और इससे चाइना को झटका लगा, क्योंकि देउबा सरकार प्रो भारत और एंटी चाइना है और इसी कारण चाइना देउबा की सरकार को गिराना चाहता है। तो वहीं बात करें भारत की, तो भारत में भी चाइना अलगावादियों को फंडिंग करता है, क्योंकि मौजूदा मोदी जी की सरकार ने चाइना के नाक में दम कर रखा है और यही कारण है कि चाइना भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। भारत के विश्व पटल पर बढ़ते प्रभाव को चाइना अपने खिलाफ मानता है, इसके साथ क्वाड को सबसे बड़ा खतरा मानता है और यही कारण है कि चीन भारत के पड़ोसी देशों को अपने पाले में करना चाहता है। इसके लिए वह सभी प्रकार हथकंडे अपना रहा है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।